हाँ हाँ ओम नमः पार्वती पतये हर। आप इसको दौड़ाएंगे, आप दौड़ाएंगे, रुको रोक रोक के दौड़ाएंगे। हेलो गाइस, क्या हाल है भाई सभी के। गुड मॉर्निंग भाई, सुबह के बज रहे हैं 5:30। तो अभी भाई हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा चाय वाय पीने, ठीक है। और अपना एक दोस्त भी आ रहा है, उससे भी मिलना है। तो एक्चुअली शी इज़ मॉडल, तो कुछ गाने से रिलेटेड बात करनी है, क्योंकि सुबह वक्त था मेरे पास और आज का दिन बहुत बिजी है, शेड्यूल बहुत बिजी होने वाले हैं, इस वजह से सुबह ही मिले ले रहे हैं। और आज पूजा भी है, गणेश चतुर्थी की पूजा है और गणेश जी पूजा करने भी जाना है, सारी चीज़ें करनी है। मौजूद है हमारे साथ भाई बिलाल भाई। बिल्लू ब्रदर, व्हाई यू आर सो लेट ब्रो? भाई खुद वजह है, इनकी वजहें कभी खत्म नहीं होती मेरे भाई। चलो पहले दोस्त को उठाते हैं, फिर बात। तो गाइस अभी अपन लोग जा रहे हैं पूजा में, जानते हैं आप सभी लोग आज पूजा है, ठीक है। तो हमारे साथ अभी हैं भाई साहब पांडे जी, स्मार्ट लग रहे हैं आप, बहुत नज़र मत लगाइए, ठीक है। तो और कनौजिया साहब हैं, वो तो गोरा है साला, इतना निखरते हैं भाई ये लोग, इतने गोरे हैं पता नहीं खा के पैदा हुए थे भाई ये लोग, समझ ही में नहीं आता है। लेकिन पांडे थोड़ा और ज़्यादा गोरा है, पांडे बहुत ज़्यादा, पांडे को अंदर कपड़े डाल देना, पांडे तुम लोग देख लोगे ना कि कहोगे दूध से नहा गया है साला पांडे, इतना गोरा है साला अंदर, बहुत चिकना है सही में, बहुत मजा आ जाएगा जो लोग यहाँ, समझ रहे हो। चलो गाइस मिलते हैं रास्ते में जा रहे हैं। ये देखो ट्रैफिक की वजह से बहुत लेट होता है इंसान को यार। ओह माय गॉड, यू नो आई एम लुकिंग सो सेक्सी ब्रो, आई एम कभी कदा, क्या कभी कदा, कभी कदा तो अच्छा लगता हूँ। गाइस आपको एक दूसरा गाना सुनाते हैं जो कि पांडे जी को बहुत पसंद है, ठीक है, बेहद पसंद है। और गाना भी खैर उसका इंट्रो बहुत अच्छा है, गाना सुनाते हैं, जरा आवाज बंद करना। तो आजकल क्या होता है फ्रॉड वगैरह बहुत होते हैं, क्या होता है बेईमानी का सब कुछ, चस्का बोलो किसके लिए है। यार छोड़ो हटाओ, क्या इतनी इम्पोर्टेंट नहीं देनी चाहिए भाई किसी को, छोड़ो हटाओ यार। तो ये गाना वैसे इंट्रो इसका बहुत बढ़िया है, ठीक है, गाना खुद ही बनाया गया है, ठीक है, गाना कम्प्लीट है बट इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो इसलिए गाना ही पूरा मत सुनो। गाना जो नया आने वाला है हम लोगों का पांडे का, तो वो आप देखिएगा अभी कुछ टाइम बाद, उसकी हम लोग शूटिंग करने वाले हैं, उस पर प्यार दीजिएगा आप सभी लोग। भगवान के पैर पे पटे का प्रभाया सुपास हस्ताया जसास नाया तभी पूजयामि ध्यानार्थे गंधाक्ष पुष्पाण समर्पयामि समर्पयामि नमः करोमि नवग्रह पे चढ़ा देंगे। जय हो श्री गुरुदेव भगवान की जय हो, ओम नमः पार्वती पतये हर। तो गाइस अभी हम लोग पूजा वूजा करके पुण्य कमा के ये सब हो जाएगा, अब जा रहे हैं इंटीरियर में, आप थोड़ा फोटो वोटो क्लिक कर लेते हैं भाई अपन लोग, मेरे बहुत दिन से फोटो नहीं निकलेगा, मैंने सोचा फोटो क्लिक करवाते भी, तो अभी जा रहे हैं कुछ खाते पीते हैं पहले, फिर फोटो क्लिक करवाते हैं। कनौजिया कुछ मस्ती वाली चीज़ बताओ, क्या बताएं कनौजिया, मस्ती वाला आज है, आजकल मस्ती
अकेला कुछ है नहीं। किसी के साथ आज भी प्रैंक कर दें क्या? कल कुछ ज्यादा प्रैंक हो गया बच्चे के साथ। अबे भाई वो तो एकदम बहुत हो जाता है, डर गया था, बहुत ज्यादा डर गया। प्रीवियस व्लॉग देखा होगा तुमने, उसमें देखा होगा कि प्रैंक कैसे किया हम लोगों ने भाई। बहुत कहाँ डर गया भाई, तुम्ही ने भाई यू टर्न बोला था, हमने ले लिया। यू टर्न तो लेना ही था, लेकिन ये कौन सी रोड पे पहुंचे वाली रोड ही नहीं है। तो तुम सर्च करो गूगल, मान लो पता नहीं कौन सी रास्ते ले आए, शॉर्टकट मरवा दिए हैं, पता नहीं कौन अंदर आगे से कहीं से पता नहीं कहाँ ले आए हैं। रास्ता भूल गए गाइस हम लोग, रास्ता बताओ प्लीज कमेंट में। ये देखिए तो कल रास्ता हम लोग को पता चला, देखिए यही रास्ता है, ये पता नहीं कहाँ है, आदर्श हॉस्पिटल है। आदर्श हॉस्पिटल दिल्ली पहुंचा दो अगर कॉल पे, ये पैदल चला जाएगा। चलो गाइस कंटिन्यू, मुड़ना है ना, मुड़ना है ना, पैदल ये रोड पता नहीं कौन से आ गए हम लोग भटक गए, लेकिन रोड बहुत अच्छी लग रही है, सुसान है ना, रोड रोमांटिक रोड। मार डालो ना इधर, एक आदि को मार डालो इधर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं देखे। पटेली काटो ना, ए पटेली काटो ना, ए मार डालो। मम्मल रैप सुनाते, मम्मल रैप। ये मम्मल रैप तो नहीं है भाई, ये तो टार्जन रैप है, टार्जन रैप कर रहा है भाई ये। 100 मीटर पे राइट भाई, इधर आए हम लोग, ये देखो यहाँ पे व्यू देखो, इधर सेक्सी हुई है। ये लोकेशन कोई बताओ, हम लोग लोकेशन का नाम नहीं बताएंगे, कोई गेस करके बताना, कमेंट करना बताना कि कौन सी लोकेशन है ये। चलो अभी देखना, अभी पास जा रहे हैं, वो दिखेगी वहां से मेरी वेस्टिंग की इसकी। भाई ये लोकेशन गेस करो, ठीक है, एरिया दिखा देता हूं मैं तुम्हें पूरा, ये देखो डेवलपिंग एरिया समझ लो, पूरा डेवलप्ड हो रहा है बिल्कुल एकदम, पूरा बढ़िया है वैसे एरिया, लोकेशन अच्छी है बहुत ज़्यादा, समझ गए होंगे कुछ लोग जो मेरा व्लॉग ध्यान देखते हैं ना, जो डेली देखते हैं उनको पता है लोकेशन कौन सी, और जो लखनऊ के एरिया बालागंज साइड रहते हैं उनको तो कन्नौजिया के साथ प्रैंक करने वाले हैं, क्योंकि कन्नौजिया दूर खड़ा है और हम लोग गाड़ी लेके भागने वाले हैं कन्नौजिया को, खड़ा है शूट करना है, बैठो बैठो। अरे पता है प्रैंक, चाबी कहाँ गई माची, चलो चलो बैठो बैठो, रुको रुक जाओ पहले शूट कर दें इसका, बंद करो शीशा, बंद करो दरवाजा, बंद करो दरवाजा, बंद करो दरवाजा, बंद करो अपना तुम। ठीक है मिलते हैं, कोई रिएक्शन ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं पहाड़ में, उसको पता है हम लोग प्रैंक कर रहे हैं, बात ये। अरे यार तभी तो था, वो जो खड़ा है भाई कितना आरामी है, उसको लग रहा है शूट कर रहा है, उसको भी नहीं पता चला। अबे 4x2 बहुत सस्ती आ रही भाई, भाई था जो है उसको लग रहा है हम लोग शूट कर रहे हैं भाई, 11 लाख में आ रही है। अरे वाह, तो वो देखो थोड़ा खड़ा हुआ है अभी, समझा ही नहीं है भाई। अबे भाई कितना उसको पता है ना, छोड़ के नहीं जाएंगे साले को, ये मसला पता है उसको, तभी साला वो यार प्रैंक अलग साथ किया जाए, एक बार छोड़ के चला आया जाए। हाँ इसको छोड़ देने वाला, अबे को छोड़ ही देने वाला है साले को, तेरे को तो तेरे सकरा, तेरे को छोड़ ही देने वाला है, तू चढ़ा दे क्या गाड़ी, डरा दे। कह रहा है अब इसको दौड़ाएंगे, अब दौड़ाएंगे, रुको रोक रोक के दौड़ाएंगे। अब रोक रोक के दौड़ाऊंगा इसको, अब समझ जाएगा साला ये। अरे हाँ अच्छा बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ अच्छा। अरे यार हमने बोला थोड़ा प्रैंक, तुम्हारा कोई रिएक्शन नहीं, नहीं हम सोचे साला प्रैंक प्रैंक हो जाएगा, साले कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो प्लॉट लिया था वो उसका रेट क्या हो गया? उसका रेट इस समय है 6500। 6500 स्क्वायर फीट, वो मेन रोड पे नहीं है, थोड़ा अंदर ही है। अच्छा चलो ठीक है, स्क्वायर फीट है 1300 1365 स्क्वायर फीट है। चलो गाइस मिलते हैं।
वैसे अभी आपको एक चीज दिखाते, इधर बारिश हो रही है ना, अभी देखना पुल के उस साइड बारिश नहीं हो रही, पक्का लिख के दे रहा हूँ मैं, देखना अभी एक मीटर को। देखो भाई देखो 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 मैंने क्या बोला था। ये देखो भाई पानी बंद, इधर उधर साइड बारिश हो रही है, इधर बिल्कुल बंद, पुल के पहले ही बंद हो गई भाई, मैंने क्या बोला था। ये यहाँ का रूल भाई। गाइस आपने देखा कि कैसे बारिश हो रही थी भाई, उधर साइड हो रही थी, इधर साइड नहीं हो रही थी, ठीक है। तो मैंने उसके बाद व्लॉग बनाना भूल गया था मैं, क्योंकि काम थोड़ा बिजी हो गया था, वर्कआउट भी करना था, तो दैट्स व्हाई ये वो या भाई या तो सोच रहा था कि एक चीज़ कि हम लोग सोचते बहुत है, काम बहुत कम करते हैं यार, मसला ये हमारे पास आइडियाज़ होते हैं बस उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। मसला ये कि अगर हम लोग एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे ना, तो आपके आगे के जो रास्ते हैं वो दिखने शुरू हो जाएंगे और ऑटोमेटिक आपके रास्ते खुलने लगेंगे। जो भी सोचो बड़ा सोचो और रास्ता अपने आप खुलता नज़र आएगा जब आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, समझ रहे हैं। तो अपने काम पे फोकस्ड ब्रो, काम पे फोकस, काम ऐसा करो कि भाई दुनिया सलाम करे आगे चल के तुमको, समझ रहे हो। ऐसा काम होना चाहिए, इंडिपेंडेंट काम होना चाहिए। बाकी गाने की स्क्रिप्ट रेडी हो रही है भाई, बहुत ही जल्द आपको एक सरप्राइज़ मिलने वाला है, बहुत ही जल्द ब्रो, पॉसिबल होगा तो मैं इस महीने के एंड में, अदरवाइज नेक्स्ट मंथ की मैं गारंटी लेता हूँ, उस मंथ में तो आपको गाना देखने को मिलेगा भाई। क्योंकि अभी बहुत मैं आटू झाटू गाना नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं अपने लेवल का गाना बनाना चाहता हूँ भाई, मैं समझ रहो अपने लेवल का गाना, मतलब जिसको देखे पब्लिक सुने और मजा आए, समझ रहो ऐसा गाना चाहिए मेरे को। और एक बात, प्रीवियस व्लॉग में भाई किसी ने मेरे को कॉल किया, ठीक है, रैंडम बंदा तो कोई, उसने कॉल किया, कहने लगा तुम बहुत उल्टी सीधी बातें थी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मेरे ही फ़ोन में था आया तो कॉल, तो ब्रो जो भी थे मुझे नहीं पता, ठीक है, इट्स जस्ट अ प्रैंक, इट्स जस्ट अ प्रैंक ब्रो, नथिंग एल्स, बस इसको प्रैंक के तरीके से लो और कुछ तरीके से मत लो ब्रो, कोई फ़ायदा नहीं है, और तुम अगर ले भी रहे हो किसी और तरीके से तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे ना कुछ फाड़ पाओगे भाई इधर, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा सोच समझ के चीज़ें कॉल किया करो, और सारी चीज़ें लिमिट में करी जाती हैं भाई, औकात से बाहर नहीं सोचा जाता, औकात से बाहर नहीं करी जाती चीज़ें, समझ रहे हो। तो बी केयरफुल, सारी चीज़ें ऑनलाइन है, मेरी नंबर भी है, सब कुछ है, तो डजंट मीन कि तुम मिसयूज़ करो इन सब चीज़ों का ब्रो, गलत बात है यार, प्यार से रहते हैं, प्यार से रहो, प्यार बांटो, खुश रहो, समझे। और एक चीज़, नेक्स्ट व्लॉग जो है क्यूएनए वाला, क्यूएनए वाला व्लॉग है, बीबीडी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस मेरे पास, इतने मैसेज है भाई बीबीडी वाले, मैं सारे मैसेजेस के स्क्रीनशॉट डालूंगा और सारी चीज़ों की रिप्लाई करूंगा, ठीक है। बीबीडी वालों आपको रिप्लाई मिलने वाला है बहुत जल्द, मतलब नेक्स्ट व्लॉग में, ओके, कल मिलते हैं, बाय बाय, जय श्री राम, जय बोले, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, माँ बाप को खुश रखें, बाय।